अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी, चलते हैं हम लोग कुर्बानी का जानवर लेने के लिए और देखते हैं आज कुर्बानी का हमें जानवर कैसा मिलता है। आज का हमारा जो साथ दे रहे हैं जी नकाश भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? क्या हाल है जी भाई? ठीक है। आज चलते हैं जी हम अपनी कुर्बानी के लिए वेड़ा लेने के लिए। तो बाबा जी किधर जा रहे हैं? बाबा जी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, हमारी मंजिल मकसूद है सनी बैंक तक। सनी बैंक, उससे पहले सनी बैंक से पहले हम जाएंगे बाड़िया स्वर गली की मंडी जो है मवेशी मंडी, वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे जाके हम देखेंगे जो खूबसूरत तरीन हमारे लिए अच्छा होगा कुर्बानी के लिए, हमारे रीज़नेबल रेट्स में आएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको डन करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी हम व्लॉग में आपको, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हमने क्या परचेज़ किया, किस रेट में परचेज़ किया। और आप सब लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी कुर्बानी की चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसको देख सुन के पहले तो बात उसकी एक्सप्लोर करके डेफिनेटली ठीक है, और उसके बाद उसकी एज का मद्देनज़र रखते हुए कि उसकी एज आया पूरी है या नहीं, या फिर उसका कोई चीज़ फ्रैक्चर तो नहीं है टांग या कोई सारी, या सर का जो सींग वगैरह होता है जो हमारी पहाड़ी जबानी में उसको क्या कहते हैं जी, सींग ना मारी है। हाँ, दो दांत भी पूरे होने चाहिए, दो दांत होने चाहिए या चोगा होना चाहिए या दोंदा होना चाहिए। दोंदा होना चाहिए, दोंदा बेसिकली बोलते हैं दो दांत वालों को जिसकी उम्र 2 साल होती है, चोगा बोलते हैं 4 साल वाली को। तो कुर्बानी के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि वो आप लेना चाहिए दोंदा, क्योंकि दोंदा होता है, एक तो होता है वो तरोताज़ा। हमारे साथ तो एक्सपीरियंस पर्सन है ना, हमारे साथ स्पेशल एक्सपीरियंस पर्सन है नकाश भाई। तो अरसलान भाई ने बड़ी डिटेल में बता दिया जी कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाएं तो क्या क्या करना चाहिए। तो मजीद हम लोग चलते हैं आगे मंडी में, पहले चलते हैं देखते हैं किस तरह के जानवर हैं और क्या आज हमारे नसीब में क्या है, आज हम कुर्बानी के लिए क्या लेते हैं। वो लड़का है जी, बड़ा फेमस लड़का है इधर का मसोट का, नैनी बासी ब्रांड है जी। क्या करते नकाश के अभी जी हम लोग इधर पहुंच आए हैं, ठीक है मंडी में पहुंच आए और पहला स्वागत कर रहा है जी ये वाला जानवर। पहला जानवर है इधर ये, और इसके बाद वक्तन फवक्तन आगे भी जानवर खड़े हुए हैं। बाबा जी यो तो बहुत लोग है यार, इसी के अंदर बदा होया जी। इधर तकरीबन 3-4 अंदर और भी हैं जी, ठीक है। इस अभी जी इधर जी एक्सपर्ट नकाश भाई की जेर निगरानी, इनको ये बेड़ा पसंद आ रहा है या चेक कर लें ये क्या चक्कर है इसका, देखते हैं इसको। अभी मज़ीद इधर जो है ना काफ़ी सारे बेड़े हैं, सुबह सुबह का टाइम है इसलिए मंडी में इतनी ज़्यादा अभी फिलहाल रश भी नहीं है। तो अभी बाड़िया की मंडी भी स्टार्ट नहीं हुई, जो मेन इशू है अभी मेन मुकाबले में जब मंडी स्टार्ट होगी तो उस टाइम बाड़िया की भी मंडी स्टार्ट होगी, फिर इधर से ही जो है ना। इसके अलावा इधर बकरे वगैरह भी हैं जी, बकरों का क्या रेट है जी? मुनासिब रेट है। कितना मुनासिब रेट है, किस तरह बकरों की क्या रेट है? 60,000 तक। 60,000 तक, ठीक है जी। तकरीबन कितने किलो के बकरे हैं ये? 15 किलो से लेके 40 किलो तक बकरे हैं, मुख्तलिफ रेट है, ठीक है। और ये इधर तकरीबन सारे देसी बैठे हैं या क्या? कोई देसी भी हैं, पंजाबी भी हैं, फतेजंगी भी हैं, सारे फतेजंगी देसी पंजाबी हर किस्म के बैठे हैं, ठीक है।
ਇਹ ਜੀ ਕੱਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹਨੇ ਆਨੇ ਕੱਟੇ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਤੇ ਜੀ ਬੈਂਸ ਕੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕੱਟੇ ਛੱਟੇ ਜੋ ਕੱਟੂ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀ ਆਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਬਹਿੜੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਬਹਿੜੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੱਟਿਆ ਨੇ ਕਿਆ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੱਟੇ 1,40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,00,000 ਤੱਕ 1,40,000 ਸੇ ਲੈ ਕੇ 3,00,000 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੈ ਇਸ ਅਭੀ ਹਮ ਚਲਤੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੀ ਉਦਾਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬੈੜੇ ਪੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਉੱਪਰ ਕੇ ਬਸ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਭੀ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 81 ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਮਨੇ ਔਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਏ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਪਲੇਨ ਹੈ ਦੇਸੀ ਬੈੜਾ ਲੈਣੇ ਕਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰੋ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਬੈੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਚੈੱਕ ਕਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸੀ ਬੈੜਾ ਲੈਣੇ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈੜਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਆਇਓ ਲਾ ਹਾਂ ਆਇਓ ਉਹ ਪਰਲੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਲਾ ਇਸ ਨੇ ਕਾ ਆਪਨੇ ये बेड़ा है जी जो फिलहाल इनको पसंद आ रहा है ये देसी बेड़ा है तो 1,75,000 इसकी 1,75,000 इसकी डिमांड है मजीद चेक करते हैं जी इसका क्या आगे बनता है और बकरे किस तरह देने आप भाई बकरे क्या रेट है उन्होंने बकरे ना क्या रेट है वो जड़े दो 55,000 एक ना हाँ जी आपको बकरे भी चेक करवाते हैं जी इधर के बकरू के रेट आपको चेक करवाते हैं तो एक बकरा 55,000 रुपये ना ठीक है इसके अलावा जी इधर कोई सुना बकरे शकरे हैं अब इन्हें लाता है तो पूरे नहीं लगने वो अभी इधर रेट करते हैं जी इस बैड़े का अभी व्यापारी साहब इधर कर रहे हैं जी फोन ठीक है देखते हैं जी क्या बात डन होती है वैसे थिया तो बड़ा खतरनाक है जी थिया तो बड़ा खतरनाक है दो तीन हमने चेक किए उसमें से एक हमको ये बोला पसंद आया इसको बोलते हैं जी बरगा कलर है ये ठीक है बरगंडी कलर जैसे ये रानी मारता है मारता भी बहुत है ठीक है तो देखने और सुनने वालों को मेरा यही पैगाम है कि जो भी चीज़ ने आप देसी चीज़ ने बेशक और हमने माशाल्लाह देसी चीज़ को चूज़ किया है तो रेट हमारा बन रहा है इंशाल्लाह हमारी फाइनल इसमें हो जाएगा तकरीबन 1,75,000 उनकी डिमांड है आज आपकी डीलिंग देखते ना बाबा जी आज निकाश भाई की और आप दोनों की डीलिंग देखते हैं हमने उनको किया ठीक है तो 1,75,000 उनकी डिमांड है 165 वो कह रहे हैं तो हमारा भी माइंडसेट यही हो रहा है 155-157 या 160 के राउंड में हम इसको फाइनल करें और बयाना देके हम घर जाएं ठीक है जी क्योंकि मौसम भी इतना गर्म हो रहा है तो इसलिए हमारी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द हम इसको फाइनल करें ताकि हमें अगली मंडी तक ना जाना पड़े तदीर आबासी ये इनका ताल्लुक है मलकाई कोसार मरी से सोर्स इनका ताल्लुक है ठीक है तो अभी आपको बताएंगे फर्दर डिटेल की आज इनकी मेन लोकेशन कहाँ पे और पहाड़ियाँ बाजार नाल अगला बाजार है स्वर्गली है यूबिया रोड पर ठीक है बाजार नाल बिल्कुल ये जड़ी मंडी लगी है बिल्कुल करीब ही बैनर लगे काशी चलें जी अभी इधर आ गए जी असल काशी भाई भी आ गए देखते हैं इधर क्या फाइनल होता है दीदी बोलिए जी इधर वो देखते क्या बनता है
बस एन काश भाई थमी जी दोस्ती हो गई है जी दोस्ती चीज खरीदने से दोंदा है पूरा ए जिठे दो दो जिठे दो 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 जी दो दो बस बस फाइनली इसकी बात हो गई है 175 इसकी डिमांड थी ठीक है इसको खूबसूरती पे लिया गया और अभी 175 इसकी डिमांड थी और 164 में इसका रेट हो गया 164 में इसका रेट डन हो गया है। बड़ा सिर्फ खड़ा हुआ किस व्यू पे है ठीक है अभी ये हम लोगों ने इसका इधर बयाना वगैरह दे दिया क्योंकि हमारे पास इसको रखने के लिए अभी कोई मेन जगह नहीं है इसलिए अभी इसको साथ लेके नहीं जा रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जब इसको लेके जाएंगे उस टाइम व्लॉग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें जिस टाइम हम लोग इसको लेके जाएंगे वो व्लॉग इसका उस टाइम अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जी जो आज की हमारी एफर्ट थी आज का जो व्लॉग था आप सब दोस्तों भाइयों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।